हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और वी कैन से दैट एडवांस कैलकुलस। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहता है, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए देन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम जो भी ये प्रूफ देखने वाले हैं ये डायरेक्ट एन वेरिएबल के लिए देखने वाले हैं, मतलब इन जनरल प्रूफ है हमारे पास। इससे पहले आपने सेम प्रूफ क्या होगा, ये थ्योरम सेम प्रूफ क्या होगा फर्स्ट वेरिएबल के लिए, फिर सेकेंड वेरिएबल के लिए प्रूफ क्या था, बट ये जो थ्योरम है ये जनरल वेरिएबल के लिए भी होल्ड करता है। तो वही हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं। तो इसका मैं देता हूँ आपको आज इसका प्रूफ। तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ क्या कहता है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्या गिवन है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए, इतना पार्ट हमें गिवन है। मतलब एफ जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। बट ए पॉइंट हमारा सिंपली ए सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये एन वेरिएबल है। तो ए कैसा दिखेगा, ए वन कॉमा ए टू डॉट 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 ए एन, बिकॉज ए इज टेकन फ्रॉम ओपन सेट एस विच इज सबसेट ऑफ आर एन। हमने ये देखा था, बट ये कहाँ देखा था, हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, अगर इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए जाके देख लीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका हम डेफिनेशन लगाएंगे और हमें प्रूफ क्या करना है, वही फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो गाइस, फंक्शन अगर कंटिन्यूस दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, हमें ये दिखाना है। सिमिलरली एन वेरिएबल के लिए भी हमें यही दिखाना है, बट ये ए वो ए नहीं है और ए प्लस एच वो ए प्लस एच नहीं है। एफ ऑफ ए प्लस एच आप क्या होगा गाइस, यहाँ पे वो होगा एफ ऑफ ए वन प्लस एच वन कॉमा ए टू प्लस एच टू डॉट 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 ए एन प्लस एच एन, ठीक है। तो ये टर्म होगा और मोर ओवर एफ ऑफ ए क्या होगा हमारा, एफ ऑफ ए वन कॉमा ए टू डॉट 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 ए एन, ये होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूस बताना है। कंटिन्यूस बताना है मतलब क्या, हमें ये लिमिट दिखाना पड़ेगा, ये इक्वेशन होल्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो गिवन है पहले वो हम लिख देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, इट इज़ गिवन डैट, इट इज़ गिवन डैट, या कह सकते हैं एज एफ इज डिफरेंशिएबल, एज एफ इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, बट कौन से पॉइंट पर है, एट ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। जो हमारे पास फंक्शन है डेट इज़ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, तो ये डिफरेंशिएबल हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इन एन वेरिएबल्स। इसका डेफिनेशन क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी वी कैन राइट एज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस ग्रेड एफ ऑफ ए डॉट एच होल अपॉन एच मॉड ऑफ एच इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी फॉर एन वेरिएबल्स। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मॉड एच, ठीक है। तो दोनों तरफ मॉड एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड एच से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल्स टू जीरो इंटू मॉड एच, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये मॉड एच टर्म गेट कैंसल और ये टर्म हमें मिल जाएगा सिंपली जीरो। तो यहाँ लिख देंगे हम लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस ग्रेड एफ ऑफ ए डॉट एच इक्वल्स टू जीरो, ये हमें देखने को मिल जाएगा। विच इज सेम एज लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, लिमिट इसमें ऑपरेट होगा, इसमें ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एच का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो लिमिट इसमें से क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिमिट ऑपरेट नहीं करूँगा,
क्योंकि h का टर्म तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए लिमिट f ऑफ a बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो ग्रेड f ऑफ a डॉट h इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये लिमिट जो है सबके लिए लिमिट है, तो सबको लिमिट दे देंगे, इस टर्म को लिमिट दे दिया, इस टर्म को लिमिट देने जाएंगे तो क्या होगा, f ऑफ a टर्म एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म h, h टर्म से इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे लिमिट ऑपरेट कर दिया है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो ये h टर्म टेंस टू जीरो है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज़ नथिंग बट दिस टर्म दैट इज जीरो। अब ये माइनस f ऑफ a वहाँ जाएगा तो प्लस f ऑफ a हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ a, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे हमारा प्रूफ का पार्ट खत्म होता है। तो बेसिकली थ्योरम क्या कहना चाहता है, अगर f इज अ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट a देन f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट a, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये p इम्प्लाइज q वाला स्टेटमेंट है, p इम्प्लाइज q, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है फिर देन q, f अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ही f कंटिन्यूअस होगा। क्या कॉन्वर्स पार्ट ट्रू है, क्या हम कह सकते हैं अगर f कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, मे और मे नॉट भी कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कभी कभार होल्ड होगा कभी कभार होल्ड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसके लिए एक एग्जांपल दो, ठीक है, उसके लिए एक एग्जांपल दो। तो गाइस आपको पता है मॉड एक्स, ये मान लो हमारा फंक्शन है, हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो मॉड एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। मोर ओवर ये मॉड एक्स आप जब ग्राफ निकालोगे तो आपको कैसा ग्राफ दिखेगा, ये कंटिन्यूस ग्राफ दिखेगा, ठीक है, कंटिन्यूस ग्राफ दिखेगा, मॉड एक्स एक कंटिन्यूस ग्राफ है, बट मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।